आज हम बनाएंगे होममेड टॉर्टिला रैप्स। इन रैप्स को आप बना के स्टोर कर सकते हैं 20 दिन के लिए और अपनी पसंद की कोई भी रेसिपी इनसे तैयार कर सकते हैं। अगर आप भी होममेड टॉर्टिला रैप्स बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे बनते हैं, ज़रूर ट्राई करें। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें यहाँ पर लेना है 2 कप मैदा। आप चाहें तो आटा से भी बना सकते हैं, लेकिन जो मैदा के रैप्स होते हैं वो ऑथेंटिकली बहुत अच्छे लगते हैं खाने में और ज़्यादा लोग प्रेफर भी करते हैं। तो आप मैदा या आटा जो चाहें ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले 2 कप मैदा लेना है और एक बोल में डाल देना है। इसी बोल में हम सेम कप से ही पानी डाल देते हैं। जिस कप से आप आटा या मैदा ले रहे हैं उसी कप से आप पानी डाल दें। तो 2 कप मैदा था तो 2 कप ही हमने पानी डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे आप लगातार मिक्स कर ले जब तक ये स्मूद नहीं हो जाता। बैटर को आप लगातार मिक्स करेंगे तो धीरे धीरे ये स्मूद हो जाएगा, बिल्कुल क्रीम जैसा। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से स्मूद हो चुका है, कोई लम्स नहीं है इसमें। इसके बाद आपको इसमें कुछ और चीज़ें डालनी है। जैसे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मिल्क पाउडर, 2 बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। डेरी वाइटनर नहीं लेना है आपको, मिल्क पाउडर ही लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं 1/2 छोटा चम्मच जितनी पीसी हुई चीनी। चीनी अगर पीस के लेंगे तो ईजिली इसमें मिक्स हो जाएगी। और 1/2 छोटा चम्मच ही यहाँ पे नमक डालेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नमक नहीं डालें। फिर आपको 2 बड़े चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल डाल देना है। आप चाहे तो मेल्ट करके बटर भी डाल सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर लें। आप इसे लगातार मिक्स करें क्योंकि इसमें हमने मिल्क पाउडर डाला है, उसके बिल्कुल भी छोटे मोटे चंक्स नहीं रहने चाहिए। अच्छे से मिला लें जब तक कि स्मूद नहीं हो जाता। जितना आप बैटर को मिलाते हैं ना उतना बैटर पतला भी होने लगता है, तो आप बिल्कुल भी इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालें। फिर इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। रेस्ट के लिए ज़रूर छोड़ें इसे। और 10 मिनट बाद जो बैटर है तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो चुकी है। एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं और ये देखिए कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। बनाने से पहले एक बार मिक्स कर लें और फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, रिबिन्स नहीं बन रहे हैं इसके। इसी तरह की आपको कंसिस्टेंसी रखनी है और सीधा इसे पैन पे बनाना शुरू कर देना है। 1 लैडल स्पून भर के आप सीधा बैटर पैन में डालें और इसे गोल शेप दे दें। ये ईजिली बन जाएगा, जैसे हम डोसा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। मैंने यहाँ पर पैन का इस्तेमाल किया है, जितना बड़ा पैन है उतना बड़ा ही मैंने ये टॉर्टिला रैप बनाया है। अगर आप इसे और बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़े तवे का इस्तेमाल करें, और नॉन स्टिक होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर इसे आपको अच्छे से सेक लेना है। जब ये ऊपर से ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद पलट दें और धीरे धीरे हल्का हल्का प्रेस करते हुए आप इन्हें सेक लें। बहुत ही ईजी है इन्हें बनाना, बिल्कुल भी ये स्टिकी नहीं होते हैं, चिपकेगा नहीं बर्तन में। दोनों तरफ से हमें इसे सेक लेना है। आपको इस पर कोई ऑयल बटर कुछ नहीं लगाना है, ऐसे ही ड्राई सेकना है। तो सेम इसी तरह से हम सारे बना के रेडी कर लेते हैं। मैं आपको दूसरा दिखा रही हूँ। बैटर को डालते वक्त आपका जो पैन है वो एक्सट्रीम गर्म भी नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए। फिर आप ये बैटर डालें और इसे फैलाएं, ये देखिए। और फिर जब ऊपर से ड्राई हो जाए तो आप इसे पलट दें और दोनों तरफ से अच्छे से सेक लें। जब आप ये रेसिपी तैयार करें तो इनको हल्का सा सेक सकते हैं। जब आप कोई भी इससे रेसिपी तैयार कर रहे हैं, रोल बना रहे हैं, तब आप इसे सेकें। इस टाइम पे आपको कोई भी घी बटर नहीं लगाना है। इसे आप रोटी वाले कपड़े में रख दें, जैसे जैसे आप बना लें इसे आप इसी में रख के ऐसे बंद करके रख दें। इसे बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे और सॉफ्ट रहेंगे। तो सारे हमने बना लिए हैं। इतने बैटर में आपके 10 से 12 इजीली टॉर्टिला बन जाएंगे 2 कप मैदा में। ये देखिए ये कितने बढ़िया से हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। एकदम पतले पतले बनाएँ, ज़्यादा थिक नहीं बनाना है इन्हें। प्रिजर्व करने के लिए आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले टिश्यू पेपर रखें, फिर टॉर्टिला रैप रखें, फिर उसके ऊपर टिश्यू पेपर रखें, फिर टॉर्टिला रैप रखें। जितने भी आप स्टोर करना चाहते हैं इसी तरह से आपको अल्टरनेट टिश्यू पेपर रखना होगा, और अच्छे से आप इसे स्टोर कर सकते हैं जिप लॉक बैग में। जिप लॉक बैग तो हर किसी के पास होता है, आप इसे ईजिली इसमें स्टोर कर सकते हैं। वैसे मैंने जितने बनाए हैं मैं सारे इसी में स्टोर करने वाली हूँ, बट मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि मैंने 2 इस तरह से स्टोर कर दिए हैं। फिर इसके बाद हम इसे सील कर देते हैं अच्छे से, और ये 20 दिन के लिए फ्रीज़र में रखें आप। अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो हार्डली ये 7-8 दिन ही चलेंगे, लेकिन अगर आप इसे फ्रीज़र में रखते हैं ना तो आराम से 20 दिन तक भी ये ख़राब नहीं होंगे। ज़रूर ट्राई करें, इस तरह से आप इन्हें प्रिजर्व भी कर सकते हैं और जब चाहें अपने पसंद का कोई भी रेसिपी इनसे तैयार कर सकते हैं। आपको आज की ये होममेड टॉर्टिला रैप की रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। तो एक टॉर्टिला मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं, ऐसे ही मुलायम रहेंगे, और आपने देखा इन्हें बनाना कितना आसान था। अगर आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।